और अब जान लेते हैं मौसम का हाल 9 सेकंड न्यूज में। अप्रैल में गर्मी की मार के बाद दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में भी भीषण गर्मी से हो रही है लोगों को परेशानी, अप्रैल महीने में ही पटना का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। ओडिशा में भीषण गर्मी की वजह से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश, 21 अप्रैल से तापमान कम होने तक गर्मी की छुट्टी का ऐलान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बर्फबारी से निर्माण कार्यों में हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी और बारिश से इलाके में कड़ाके की ठंड, 27 अप्रैल से खुलने वाले हैं बद्रीनाथ के कपाट, लेकिन तैयारियों में हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से पत्थर गिरने से हाईवे हुआ बाधित, भारी बारिश को लेकर पुलिस लोगों को कर रही है अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उरी में आंधी तूफान से अखरोट, सेब, चेरी और एप्रिकॉट जैसे फलों को भारी नुकसान, पिछले 48 घंटे से लगातार भारी बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बाढ़ बारिश से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त, पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भी हुई बर्फबारी, मनाली में रोहतांग टनल के पास बिछी बर्फ की सफेद चादर। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए इसी से जुड़ी हुई खबरें। एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कहा नई वेव के कारण पॉजिटिविटी रेट 30% है, जितनी तेजी से फैल रहा है कोरोना उतनी तेजी से ठीक हो रहे हैं लोग। एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कोविड की नई वेव पर कहा 3 में से 1 टेस्ट आ रहा है पॉजिटिव, कोविड नियमों का सभी गंभीरता से करें पालन। यूपी की फरुखाबाद जेल में 30 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप, अब संपर्क में दूसरे कैदियों और स्टाफ की भी हो रही है जांच। फरुखाबाद में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, गांव में भी बढ़ रहे हैं केसेस, 15 नए केस सामने आने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 60 के पार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।